यूनिट 9 इसकी लास्ट एक्सरसाइज करने वाले हैं, एक्सरसाइज 9.3। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, आपने क्या फाइंड करना है? मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला इज x1 प्लस x2 ओवर 2 कॉमा y1 प्लस y2 ओवर 2। यहाँ पे आपको कोई से दो पॉइंट दिए हुए होंगे, उनके आप यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे और आपको मिड पॉइंट मिल जाएगा। पहले जो प्रीवियसली हमने फाइंड किया था वो क्या था, हम डिस्टेंस फाइंड कर रहे थे और डिस्टेंस फार्मूला हमने किया था कि P से Q तक कितना डिस्टेंस है। लेकिन अब हमने क्या करना है, ये जो टोटल डिस्टेंस होगा इसका मिड पॉइंट, जो दरमियान वाला पॉइंट है, ये हमने फाइंड करना है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट हम करेंगे। इसमें आपको ये ए एलिमेंट दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, ए और बी पॉइंट्स दिए हैं, इसके एलिमेंट्स हैं। इसका बिल्कुल उसी तरह से फर्स्ट x1, y1, x2, y2 हम इनको दे देंगे नाम, और इस फॉर्मूले में हम इसकी वैल्यूज पुट करेंगे। ये हमें जो दो पॉइंट्स मिलेंगे ये हमारे पास हो जाएगा इसका मिड पॉइंट। कि आपको अब यहाँ पे मिड पॉइंट भी बता दिया हुआ है, फर्स्ट पॉइंट भी बताया हुआ है, आपने यहाँ पे क्यू पॉइंट फाइंड करना है। तो पहले आप क्या करेंगे, पी से क्यू तक उसी तरह से मिड पॉइंट फार्मूला लगाएंगे। ये आपने इन दो, ये मिड पॉइंट फार्मूला लगा दिया, और मिड पॉइंट है क्या ये, तो इसकी जगह आप पुट कर देंगे ये वैल्यू कि मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू इज एम एंड वैल्यू ऑफ एम इज 5.8। फर्स्ट एक्स को एक्स के इक्वल ले लेंगे और वाई को वाई के। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल हो गया एक्स माइनस 3/2 इज इक्वल टू 5 एंड सेकेंड एलिमेंट 5+6/2 इज इक्वल टू 8। यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल गई y की, तो ये हमारे पास जो दो एलिमेंट्स आ गए हैं ये q पॉइंट के होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 इज प्रूव दैट द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स वर्टिसेस p q एंड r। क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि एक हमारे पास ट्राइंगल है और उसमें राइट एंगल के सामने वाला जो होगा उसे हम क्या बोलेंगे, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस का क्या करना है, मिड पॉइंट फाइंड करना है, और ये बताना है कि मिड पॉइंट जो है उसका फासला बराबर है क्यू के साथ, पी के साथ और आर के साथ। तो सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है, मिड पॉइंट फाइंड करना है बिटवीन पी एंड क्यू। मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू इज, हमें बताने हैं कि ये वर्टिसेस बराबर हैं कि नहीं। उसके लिए हमने डिस्टेंस फाइंड करना होगा एम से क्यू तक, एम से पी तक और एम से आर तक। एज वी नो दैट डिस्टेंस फार्मूला इज x2 - x1 होल स्केयर प्लस y2 - y1 होल स्केयर स्केयर रूट। यहाँ पे हमने एम पी फाइंड किया, सो आंसर इज 26/4 स्केयर रूट। एम क्यू का सेम आंसर आ रहा है और एम आर का भी। इसका मतलब क्या है कि ये बात प्रूव हो गई है कि एम वाकई जो है इक्विडिस्टेंट है पी क्यू और। क्वेश्चन नंबर 4 में कोई से 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, इसमें ए बी पॉइंट्स की मदद से M1 उनका AB का मिड पॉइंट फाइंड करना है और OB का मिड पॉइंट फाइंड करना है। ये जब ये दोनों मिड पॉइंट्स फाइंड हो जाएंगे तो इनका हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। तो M1 का मिड पॉइंट हमारे पास 3.5/2 और OB का मिड पॉइंट हमारे पास 3/2/5/2 आ जाएगा। जब ये दोनों पॉइंट्स मिल जाएंगे हमें, इसके बाद हम करेंगे कि इनका डिस्टेंस फार्मूला इस पर लगा देंगे, वही x2 - x1 होल स्केयर, y2 - y1 होल स्केयर करके। ये हमारे पास इसका आंसर, जस्ट हमने यही फाइंड करना था मिड पॉइंट्स का डिस्टेंस। शो दैट डायगनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। अब हमें पता है कि ये जो रेक्टेंगल की थोड़ी टेढ़ी शेप कर दें, उसको टेढ़ा कर दें, रेक्टेंगल को पैरेललोग्राम बन जाती है। और इसके जो आमने सामने वाले ये पॉइंट्स इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं एक दूसरे को लाइंस, तो ये इसके क्या होंगे, डायगनल्स होंगे। अब हमने फाइंड करना है कि ए सी का मिड पॉइंट और बी डी का मिड पॉइंट जो होने चाहिए वो सेम होने चाहिए। ए सी का हमने मिड पॉइंट फाइंड किया 0.-1/2 और इसी तरह से बी डी का हमने मिड पॉइंट फाइंड किया वो भी 0.-1/2 है। सो डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। क्वेश्चन नंबर 6 इज लेंथ ऑफ मिड पॉइंट। इसमें हमने क्या प्रूफ करना है कि पी आर और क्यू आर के मिड पॉइंट्स जो हैं इनका डिस्टेंस हाफ है किसके, पी क्यू डिस्टेंस के। पी क्यू डिस्टेंस से हाफ होगा एम वन से एम। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे हम, फाइंड एम पी ऑफ पी आर। पी आर का हमने जो है वो मिड पॉइंट फाइंड कर लेना है, ये हमारे पास ये पॉइंट आ गया है। और उसके बाद क्यू आर का भी हमने मिड पॉइंट फाइंड कर लेना है जो कि ये हमारे पास है। फिर एम वन और एम टू जो पॉइंट्स हैं इनका हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फाइंड करेंगे, और उसके बाद पी और क्यू का भी डिस्टेंस फाइंड करेंगे। जैसे कि ये हमने किया हुआ है, यहाँ पे 2 बाहर कॉमन आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा। तो यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि
ये हाफ ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू 34, और एम वन से एम टू तक का भी डिस्टेंस कितना है, 34 है। मतलब हमने ये बात जो प्रूव करनी थी कि एम वन एम टू की लेंथ बराबर है किसके, हाफ ऑफ पी क्यू के। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।